आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में. आई एम योर होस्ट तृप्ति एंड टुडे वी आर स्पेशल प्रोग्राम विद बॉलीवुड बर्स. वी आर बैक विद आवर स्पेशल एपिसोड एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज. जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बॉलीवुड में बर्स क्रिएट करने वाली कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में. क्या चल रहा है बी टाउन में, किस तरह नन्हे किड स्टार से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार खूब धमाल मचा रहे हैं. आखिर बॉलीवुड में क्या हो रहा है, ये सारी अपडेट्स हम आपको देंगे. साथ में बताएंगे आपको आप सभी के फेवरेट सितारे किस तरह अपने जिंदगी में काफी ज्यादा व्यस्त है. आप जानकर होंगे हैरान, लेकिन बॉलीवुड सितारों की जिंदगी और भी ज्यादा स्पीड यानी कि रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है. लेकिन बीच बीच में किस तरह से पब्लिसिटी गेन करनी है, ये सितारे काफी ज्यादा अच्छे से जान चुके हैं. हम आपको बताएंगे क्या है बॉलीवुड की वो लेटेस्ट खबरें जो आप सभी के लिए है काफी एक्साइटमेंट से भरी हुई. हम आपको बताएंगे बॉलीवुड में बर्स किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं बॉलीवुड के सभी सितारे. क्या चल रहा है बी टाउन में, आप सभी के फेवरेट स्टार्स की लाइफ में आप भी जानना चाहते हैं, तो फिर बिना देर के वे रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और सारी खबरों से आपको अपडेट कराते हैं हमारे प्रोग्राम के हेडलाइन की जो सवाल से आप काफी ज्यादा शॉक्ड हैं, तो उसका भी जवाब जान लेते हैं अपनी रिपोर्ट्स के जरिए. तो देखते हैं खास रिपोर्ट्स आप सभी के बीच हमारे प्रोग्राम में. जी हाँ, श्वेता नंदा बच्चन को हाल ही में स्पॉट किया गया अपनी पार्टनर के साथ मोनिशा जैन के साथ दर्जी का काम करते हुए. वेल, दर्जियों की तरह फैशन डिजाइनिंग का काम करने वाली श्वेता फैशन डिजाइनर मोनिशा जैन के साथ स्पॉट की गई एटेलियर के अंदर, जहां पर वो ड्रेसेस डिजाइन करती है. ये आप जानते हैं MNS स्टोर लॉन्च के मौके पर हाल ही में उनका पूरा परिवार नजर आया. अमिताभ, जया, अभिषेक, ऐश्वर्या से लेकर कपूर फैमिली से लेकर तमाम बॉलीवुड सितारे श्वेता और मोनिशा को बधाई देने पहुंचे. इस स्टोर लॉन्च के मौके पर साफ हो गई ये बात कि श्वेता फैशन डिजाइनिंग के मामले में अपना हाथ आजमा रही है. तो देखिए ये तस्वीर बात की तरफ इशारा करता है कि इस तरह वो पैसे कमाने के लिए एक और नया जरिया ढूंढ चुकी है. आप जानकर हो जाएंगे हैरान, तो देखिए जरा इस वीडियो में और गौर फरमाइए किस तरह नैनी तैमूर की लाडली नैनी तैमूर की प्यारी सी नैनी अकड़ू रूप दिखा रही है. आ गया उन्हें गुस्सा, मीडिया को देख बरसती नजर आई है जमकर नैनी माँ. वाल वो कह रही है एक एक करके फोटोज क्लिक करो और सुनिए जरा किस तरह तैमूर का ख्याल रखने वाली ये नैनी माँ गुस्सा करती नजर आई. तैमूर की फिक्र में उनका ये रूप सामने आ गया. मीडिया वाले जब तैमूर की फोटोज क्लिक करने के लिए काफी ज्यादा जल्दबाजी में उनके करीब आ गए. देखिए इस वीडियो में नैनी का वो अंदाज जो वाकई में आप सभी का दिल जीत लेगा. देखिए कितनी ज्यादा फिक्रमंद है तैमूर अली खान पटौदी की ये नैनी, जिनके भरोसे बॉलीवुड की बेबो अपने प्यारे से बेबी बॉय को हमेशा उनके साथ रहने देती है. एक मिनट, चलो बात देखेंगे. लो यार, तुम लोग ऐसे कर रहे हो क्या? अंदर जाने तो आराम से दो ना यार, अंदर अंदर यहाँ पे चलो 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 चलो. अरे अनिल यार, अनिल हट. बॉलीवुड एक्ट्रेस तबू यूं तो कुंवारी रहने को लेकर हमेशा चर्चाओं में रही है. ये सभी जानते हैं कि 40 साल की हो चुकी है तबू और इस उम्र में वो अकेली है, तन्हा है, सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही है. सिंगल स्टेटस को लेकर तबू कई बार कई सवालों से घिरी रही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के पर्दे पर संजय कपूर से लेकर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के साथ काम किया. अजय देवगन के साथ जिनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन लिंकअप में भी बदल गई थी, वो तबू आज भी है कुमारी. लेकिन शादी ना करने का ये राज अब तक तबू खोल नहीं पाई है. अंदाजा ये लगाया जाता है कि तबू को अब तक वो हमसफर नहीं मिला जिनके लिए वो तलाश करती रही ताउम्र.
तब उन्हें खुद ही कुछ टाइम पहले ये बताया था कि वो अजय देवगन से चाहती हैं उनके लिए लड़का ढूंढे। मजाक में ये कहना तबू का लोगों को काफी हैरान कर रहा था, जब फिल्म गोलमाल के चौथे सिक्वल के दौरान तबू अजय देवगन साथ फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। खैर ये बात अलग है कि तबू आज भी बेहद लाजवाब नजर आती है। देखिए उनका ये रूप किस तरह से इशारा करता है उनकी खूबसूरती की तरफ। पल पद्मिनी कोल्हापुरी को कौन नहीं जानता, किसी जमाने की सबसे ज्यादा हिट अभिनेत्री जिन्होंने फिल्म के मामले में जबरदस्त एकाएक हिट फिल्में दी। फिल्म प्रेम रोग में जिनकी कहानी बेहद खूबसूरत थी, ऋषि कपूर के साथ जिन्होंने अपने फिल्मी अंदाज से हर किसी को अपना बनाया था। बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मासी माँ पद्मिनी, जो कि बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत अदाकारा रही, उनकी खूबसूरती के दीवाने करोड़ों रहे। किसी जमाने की सबसे ज्यादा बेहतरीन अभिनेत्री कहलाने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी आज बुढ़ापे की इस उम्र में कैसी हो गई हैं आप देख सकते हैं, जो लैक्मे फैशन वीक रैंप वॉक के दौरान नजर आई थी रेड कार्पेट पर, काफी ज्यादा फोटोज क्लिक करवाती पोज देती, जिनके चेहरे पर साफ साफ उनका पिंपल तक नजर आया। देखिए किस तरह से पद्मिनी अपने चेहरे के रंगत बदलने को मेकअप से भी छुपा नहीं पाई। चेहरे से उनका ये रूप जो सामने आया है वो कहीं से गलत तो नहीं लगता, लेकिन हाँ पद्मिनी वाकई में बेहद खूबसूरत है, जिनका ये भयानक रूप देख कहीं ना कहीं लोग तो हैरान हो जाते होंगे। वो पद्मिनी कोल्हापुरी जो बेहद खूबसूरत लगती थी, वो आज इस उम्र में कितनी ज्यादा बदली नजर आती है। खैर ये बात अलग है कि पद्मिनी वाकई में बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री कहलाती है। मोटापा घटाने के बावजूद, प्रेगनेंसी विद लॉस करने के बावजूद बॉलीवुड की बेब, आप सभी की फेवरेट करीना नहीं छुपा सकी है बेली फैट। देखिए साइडलाइन बेली का उनका किस तरह से शेप में तो है, लेकिन थोड़ा बल्की भी नजर आया है। बता दें आपको रैंप वॉक करती हुई साफ साफ वो अपना बेली फैट रिवील करते नजर आई है करीना। वाकई में जिस तरह से चलती नजर आई है, रैंप वॉक करती नजर आई है, रैंप वॉक के दौरान उनका बेली फैट तो साफ दिख गया, लेकिन वाकई में कितनी लाजवाब नजर आई है करीना कपूर, ये तो आप देखकर ही खुद यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि ये वही करीना है जो प्रेगनेंसी के दिनों में इतनी ज्यादा बल्की हो गई थी कि उन्हें देख कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जीरो फिगर के जरिए बॉलीवुड में जीरो फिगर को मशहूर करने वाली करीना इस तरह भी प्रेगनेंसी के दिनों में फैट गेन करेंगी। खैर प्रेगनेंसी फैट गेन करने के बाद उसे लॉस करने में भी करीना ने वर्कआउट करते हुए मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। वल तो श्वेता नंदा किस तरह से अपने काम को लेकर व्यस्त है ये हमने आपको जानकारी दी, तो वही बताया हमने आपको नन्हे तैमूर अली खान पटौदी को लेकर नैनी किस तरह के रिएक्शंस देती नजर आई, और इसी के साथ हमने आपको खबर दी बॉलीवुड के तमाम सितारों के बारे में, जिससे हमने अपडेट कराया क्या चल रहा है बीटाउन में। पद्मिनी कोल्हापुरी के उस लुक से हमने आपको रूबरू कराया जिसे देख कोई भी हो जाए शॉक, तो इसी के साथ हमने आपको खबरें दी बॉलीवुड टाउन को लेकर, बॉलीवुड की लाइफ को लेकर, बॉलीवुड के स्टार्स की जिंदगी को लेकर। वक्त आ गया इसी के साथ आज इस प्रोग्राम का यहीं दिन करने का। जी हाँ बॉलीवुड बर्ज में आज इतना ही, अगली बार लौटेंगे फिर कुछ और बॉलीवुड सेलेब्स के लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्सों से आपको अपडेट कराने के लिए। बीट ऑन में बर्ज क्रिएट करने वाले लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए यूं ही देते रहें आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को प्यार, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ में कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ में कॉमेंट करने के साथ साथ प्रोग्राम को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।